मम्मी, पप्पा के लिए प्रसाद में क्या बना रही हो? पप्पा के लिए उकड़ी चे मोदक बना दे। बनाएगी तू? फाइन, एनीथिंग फॉर पप्पा। Instagram and asked my followers कि मैं next video किस चीज़ पे बनाऊँ and one of the comments was कि मोदक तो obviously बप्पा आ रहे हैं मतलब आ चुके हैं तो उनके स्वागत में हमें बनाना चाहिए कुछ मीठा मोदक ही obviously दिमाग में आता है so we are making उकड़ीचा मोदक today मेरा pronunciation I know सही नहीं है but उकड़ीचा मोदक I'm not मराठी राजस्थानी हूँ मैं लेट्स स्टार्ट विद द आउटर कवरिंग तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक पैन में ऐड करेंगे हम वाटर उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी एंड फिर ऐड करना है हमको राइस फ्लावर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड फिर उसे बंद करके थोड़ी देर सेटल होने देंगे मिक्स होके फिर उसका हमें डो नीड कर लेना है सो जस्ट दिस इजी सिंपल स्टेप सो लेट्स गेट स्टार्टेड Let's add some घी और ज्यादा अब वेट करेंगे पानी के गर्म होने का Oh my God. पानी गर्म हो गया so let's add the rice flour. लगता है पानी ज्यादा और राइस फ्लावर कम हो गया Oh my God. We need to mix it well. थोड़ा सा और राइस फ्लावर मैंने ऐड किया ताकि ये इतना लिक्विडिटी हो लेट इट रेस्ट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट आई थिंक रेसिपीज में वो नॉन ग्लूटिनस राइस फ्लावर यूज करते हैं बट मैंने ग्लूटिनस राइस फ्लावर यूज किया सो आई एम नॉट श्योर इफ द एंडिंग रिजल्ट्स वुड बी सेम एंड ऑल्सो यू मच विदाउट फर्दर अडू लेट्स नीड अ डो It's so jiggly and warm. it's hot. I think let it rest for another 5 minutes. ये उकड़ीचा मोदक की जगह आई थिंक मोची मोदक बनने वाला है बट पिछले वाली पूरी क्लिप में मैं विजिबल ही नहीं थी आई होप नाउ आई एम विजिबल तो ये कुछ ऐसा मोची जैसा हो गया है Let it rest and make the filling. It looks like this. It looks so cute. Cutie, cutie, cutie. Let it rest. Okay. So now let's make filling. Filling के हमारे पास है jaggery, coconut, थोड़ा सा almond, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा बताऊँ but almond और cardamom powder. इन सबको हमें रोस्ट करना है घी में चपटी में इतना हो जाए एंड देन से श्योर विद माय उकड़ी चम्बो दक वाह वाह सबसे पहले वी हैव टू ऐड घी लेट्स डू दैट ज्यादा घी कोकोनट ड्राई फ्रूट्स इसमें से एलमंड है नाउ लेट्स ऐड द जैगरी व्हेन इट हैजंट बीन योर डे योर वीक योर मंथ और इवन योर लाइफ एट दिस पॉइंट जल रहा है तो मैं इसे बंद कर देती हूँ
दिस फॉर अ वाइल ताकि ठंडी हो जाए एंड काफी लिक्विडी है. अ लिटिल थिंग दैट इज स्टिल लेफ्ट इज एडिंग द कार्डमम. तो ये थोड़ा कार्डमम मैं ऐड कर रही हूँ. पागल है क्या? दिस कूल फॉर अ वाइल. इतना गर्म है. सो लेट्स चेक आउट आवर राइस फ्लावर. इट्स अ मोची. नाउ ये उपरीचा मोदक नहीं, ये मोची मोदक कहलाएगा अगर if I'm able to make this and I'm even visible right now. I hope I am. अभी वीडियो मेरी इसी में चली जाती है. Am I visible or not? Look somewhat like this. Hey, a mochi. Tried making ukdicha modak but I made mochi. इसको fill कैसे करूँ? ना liquid ही है. Let's add some cornstarch. Okay, it looks somewhere like this. Now I'm gonna add the filling in and see if this works out. Here we have the filling. Let's just do the hands. This much. जितना आसान ये वीडियो में दिख रहा था उड़ीचा मोदक बनाना उतना आसान है नहीं. वाओ, मतलब शायद उतना आसान होता अगर मेरे पास ऑन भी उतना फ्लावर होता. दिस इज आवर फर्स्ट मोदक हमारा बन चुका. गणपति पप्पा तो खाएंगे भी नहीं ऐसा लगता है. ठीक है, नेवर माइंड. Now, हमारे मोदक बनके हो गए हैं रेडी. तो सो विल स्टीम देम फॉर अबाउट लाइक 6 to 8 minutes, लाइक 10 minutes मान लो. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टू आवर मोची मोदक. लेट्स गो. Sure, how I'm gonna get them out of this. ठीक है, थोड़ी देर इनको रेस्ट करने देते ताकि ये नॉर्मल हो जाए. Wow. What the look like? This is what our modak looks like. इन्हें मुझे बिना steam किए खा लेना चाहिए था. But I think I have failed it really badly. क्यों आजकल मैं कुछ भी काम करने चाहती हूँ तो big diet.com हो जाता है. Never mind. I'm still gonna give them a taste test. Obviously इतने बुरे बने पप्पा को तो सर्व कर नहीं सकते. ठीक है. Is this even edible? मम्मी, लगता है आपको ही बनाना पड़ेगा ये उखरीचा मोदक. मुझसे तो नहीं बनता. ये बनाया है तूने, लगता है अब तो मुझे ही आना पड़ेगा.
Don't forget to like, share and subscribe to Palette Perfection.